हेलो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको मेरी पिछली सीरीज़ काफ़ी पसंद आई होगी। अब मैं आपको अपनी अगली सीरीज़ जिसका नाम है विश्व स्मारकों यानी वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स की खोज की तरफ ले जा रहा हूँ। तो चलिए खोजते हैं और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स लिखना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, ये मॉन्यूमेंट यूएसए में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। अनीश कपूर द्वारा डिजाइन किया गया ये स्कल्पचर लिक्विड मर्कुरी जैसा दिखता है, जिसका कंस्ट्रक्शन 2004 से 2006 के बीच किया गया था। हाँ, आपने सही पहचाना, ये द क्लाउड गेट है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, ये मॉन्यूमेंट टर्की में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। 3rd century BC में ये राजा युमनिस सेकंड द्वारा निर्मित एंशिएंट वर्ल्ड का एक मेजर लर्निंग हब था। हाँ, आपने सही पहचाना, ये पर्गमा ऑल्टर है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, ये मॉन्यूमेंट इंडिया में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। इसका निर्माण राजा भीमदेव को याद करने के लिए 11th century AD में किया गया था। इसे क्वीन स्टेप वेल के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, आपने सही पहचाना, ये रानी की वाव है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, ये मॉन्यूमेंट ऑस्ट्रिया में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। ये मॉन्यूमेंट 1740 से 50 के बीच एम्प्रेस मरिया थेरेसा के शासनकाल में बनाया और रिमॉडल किया गया था। इस महल के अंदर दुनिया का सबसे पहला जू भी है, जिसे 1752 में बनाया गया था। हाँ, आपने सही पहचाना, ये शॉनब्रुन पैलेस एंड गार्डन्स है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, ये मॉन्यूमेंट दुबई यूएई में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। ये वास्को डिगामा टावर पोर्टुगल के जैसा एक 5-star होटल है। इसे वास्तुकार टॉम राइट की अगुवाई वाली मल्टी कंसल्टेंसी एटकिंस द्वारा डिजाइन किया गया था। हाँ, आपने सही पहचाना, ये बुर्ज अल अरब है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, ये मॉन्यूमेंट आयरलैंड में लोकेटेड है।
क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। ये लगभग 3200 BC में नियोलिथिक पीरियड के दौरान बनाया गया एक बहुत बड़ा पैसेज टॉम्ब है, जो कि स्टोनहेंज और इजिप्ट के पिरामिड से भी पुराना है। हाँ, आपने सही पहचाना, ये न्यू ग्रेंज है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, ये मॉन्यूमेंट चाइना में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। 1406 और 1420 के बीच निर्मित ये चाइनीज पैलेशियल आर्किटेक्चर का एक प्रतीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा शाही महल है। हाँ, आपने सही पहचाना, ये फॉरबिडन सिटी है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, ये मॉन्यूमेंट इजिप्ट में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। ये एक बड़ा प्राचीन इजिप्शियन टेंपल कॉम्प्लेक्स है, जो नाइल रिवर के पूर्वी तट पर स्थित है, और इसका निर्माण लगभग 1400 BC में हुआ था। हाँ, आपने सही पहचाना, ये लक्ष्य टेंपल है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, ये मॉन्यूमेंट नेपल से इटली में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। ये जगह गायब होने वाला शहर के नाम से भी फेमस है। 79 AD में माउंट वेसुवियस से निकली वॉल्केनिक ऐश ने इस शहर को कवर कर लिया था। हाँ, आपने सही पहचाना, ये पॉम्पी है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, ये मॉन्यूमेंट USA में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। ये मॉन्यूमेंट 100th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी पर फ्रांस ने USA को उपहार में दिया, और एफिल टावर के लिए रिस्पॉन्सिबल डिजाइनर ने ही इसे डिजाइन किया। ये इंडिपेंडेंस का सिंबल भी माना जाता है। हाँ, आपने सही पहचाना, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, ये मॉन्यूमेंट कनाडा में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। ये US के रक्षा विभाग का हेडक्वार्टर है। इस बिल्डिंग को अमेरिकन आर्किटेक्ट जॉर्ज बर्गस्ट्रॉम द्वारा डिजाइन किया गया और कॉन्ट्रैक्टर जॉन मैक्सिन द्वारा बनाया गया था। हाँ, आपने सही पहचाना, ये पेंटागन है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, ये मॉन्यूमेंट इंग्लैंड में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। ये यूरोप का सबसे लंबा कैंटिलीवर ऑब्जर्वेशन व्हील है, जिसे मार्क्स बाफील्ड आर्किटेक्ट्स के जूलिया बाफील्ड और डेविड मार्क्स द्वारा डिजाइन किया गया।
हाँ, आपने सही पहचाना, ये लंदन आई है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, ये मॉन्यूमेंट यूएसए में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट, ये न्यूयॉर्क शहर में 102 मंजिला आर्ट डेको स्काईस्क्रेपर है। इसे शिवे लैम्ब एंड हामन द्वारा डिजाइन किया गया था और 1930 से 1931 तक बनाया गया था। हाँ, आपने सही पहचाना, ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, ये मॉन्यूमेंट थाईलैंड में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट, इस जगह की स्थापना 1351 में राजा राम तिबोड़ी फर्स्ट ने की थी। इसके हाइलाइट्स में वट महाहत के बुद्धिस्ट टेंपल, वाट फ्रा श्री सनाफट और वाट रच्चर बाना शामिल हैं। हाँ, आपने सही पहचाना, ये अयोध्या हिस्टोरिकल पार्क है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, ये मॉन्यूमेंट इटली में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट, ये रोमन लोगों के लिए एक गिफ्ट के रूप में फ्लेविन डायनेस्टी के एम्परर वेस्पेसियन द्वारा 70 से 72 एडी के आसपास कमीशन किया गया था। ये रोम इटली शहर के सेंटर में एक ओवल एम्फीथिएटर है। हाँ, आपने सही पहचाना, ये कोलोजियम ऑफ रोम है। तो इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं, मैं मिलूंगा आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।